नमस्कार, जय श्री स्वामीनारायण। श्री सहजानंद गुरुकुल द्वारा संचालित SSGM स्कूल CBSE ऑनलाइन एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा यानी क्लास 6 का विषय हमारा चांद से थोड़ी गप्पे, जिसके लेखक है हमारे शमशेर बहादुर सिंह। इसमें क्या है, 10-11 साल की जो लड़की है वो क्या करती है, वो चांद से थोड़ी बातें करती है कि चांद किस तरह है, वो क्या है। आइए हम पहले काव्य पढ़ते हैं। पहले इससे पहले काव्य पे जाने से पहले हम कठिन शब्द के अर्थों को जानेंगे ताकि हमारी जो कविता है उसको समझने में आसानी हो। कुल का अर्थ होता है पूरा, पोशाक का अर्थ है वस्त्र या कपड़े, चारों सीमत यानी चारों ओर यानी चारों दिशाएं हो, नजर आना यानी दिखाई देना, गोकी यानी अर्थ, निरा यानी एकदम, दम यानी इसमें अर्थ होगा सांस, मर्ज यानी बीमारी, यानी वो जो चांद से गप्पे मार रही है कि चांद किस तरह है, अचानक बढ़ जाता है, अचानक घट जाता है उसका आकार, और वो जो बादल है, जो जो बादल में जो चांदनी सॉरी जो आकाश है उस जो उसमें तारे हैं वो क्या उनके वस्त्र के रूप में बताए गए हैं। आइए हम कविता पढ़ते हैं। गोल है खूब मगर आप तिरछे नजर आते हैं जरा, आप तिरछे नजर आते हैं जरा, आप पहने हुए हैं कुल आकाश तारों जड़ा, सिर्फ मुंह खोले हुए हैं अपना गोरा चिट्टा गोल मटोल, अपनी पोशाक को फैलाए हुए चारों सीमत। यानी कहने के तात्पर्य यहाँ पे क्या है कि लड़की कहती कि आप गोल आकाश गोल मटोल हैं, चांद को क्या बोले वो गोल मटोल हैं मगर जरा तिरछे दिखाई देते हैं, आपने टिमटिमाते तारों से जड़ा सारा आकाशी वस्त्र के रूप में पहन लिया। यानी जो जो आकाश में तारे जो दिखते हैं वो क्या कर रही है कि उनको वस्त्र के रूप में बता रही है कि चांद जो है चांद मामा आप जो भी जो आकाश जो है वो तारे हैं वो आप उनको वस्त्र के रूप में पहन लिए हैं। फिर सोचते कहती है कि आप सारा शरीर तो आकाश रूपी वस्त्रों से पूरी तरह छिपा हुआ है, यानी क्या करिए पूरा शरीर आपका जो है सिवाय मुखड़े का यानी मुख के सिवा आपका कोई भी अंग नहीं दिख रहा, वो किसे छिपा आकाश तारे आकाश रूपी वस्त्र से ढका हुआ है। आगे चलते हैं। आपको तिरछे नजर आते हैं कैसे खूब है गोकी, वह जीवा हमको बुद्धू ही निरा समझा है, हमको समझते ही नहीं जैसे कि आपको को बीमारी है। यानी यहाँ पे लड़की करे कि आप तो मुझे निरा बुद्धू समझ रहे हैं, मुझे तो लगता है कि आपको कोई बीमारी है। यानी यहाँ पे कहने का तात्पर्य क्या है कि लड़की बोले कि अपनी कल्पनाओं के द्वारा उनका वर्णन करते कह रही कि चांद को समझ करते कहते कि मुझे पता नहीं पर थोड़े से तिरछे दिखाई देते हैं, यद्यपि आपका यह रूप आकार सुंदर है पर हम आपको भली भांति जानते हैं। यानी कहने का तात्पर्य क्या है, लड़की कह रही कि आपको मैं भली भांति जानती हूँ, आप गोल मटोल हैं और लेकिन मैं आपका आपको भली भांति जानती हूँ, मैं आप क्या मुझे बुद्धू समझ रखे हैं पर हमें आप क्या आपने हमें निरा मूर्ख समझ लिया है रखा है, क्या हम आपकी क्या हम आपको समझते नहीं हैं, हमें पता है कि आपको कोई बीमारी है। यानी जो उनका आकार घटता और बढ़ता है तो लड़की है वो सोचती है कि उनको कोई बीमारी हो गई है। आगे चलते हैं। आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं और बढ़ते हैं तो बस बढ़ते ही चले जाते हैं, दम नहीं लेते हैं जबकि बिल्कुल ही गोल ना हो जाए। यानी क्या दम नहीं लेते जबकि बिल्कुल वह गोल नहीं हो जाए, यह मर्ज आपका अच्छा नहीं होने में आता। यानी यह मर्ज आपका अच्छा ही नहीं होने में आता, यानी क्या करिए जो आपको बीमारी वह लगता है कि कभी ठीक नहीं होगी। अब यहाँ पे अर्थ जानते हैं। लड़की चांद से बातें करते हुए कहती है कि आप बीमारी के कारण जब घटने लगते हैं तो बिल्कुल घट जाते हैं और आपका का छोटे से छोटा होता चला जाता है और फिर आकाश में से गायब होते हैं, वो आकाश में दिखता ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। आपका भी जब आकार बढ़ता है
तो घटने का नाम नहीं लेता। जब आपका बिल्कुल गोल आकार नहीं हो जाता, तब तक आप क्या है, बढ़ते ही रहते हैं। यानी इस कविता में कहने का सार यह है कि लड़की चांद से गप्पे, कुछ चांद को देखकर कुछ गप्पे लड़ाती है चांद के द्वारा माध्यम से। वो बोलती है कि आपका आकार तो गोल है, इसका सरलार्थ बोलेंगे इसका कि आपका आकार तो गोल है, लेकिन जब आप देखने में मुझे थोड़े से तिरछे नजर आते हैं। आपका वस्त्र या पूरा आकाश है जिसमें तारे जड़े हैं। यानी आकाश को क्या बताया है, चांद का वस्त्र बताया है। फिर बोलती है आप गोरे चिट्टे और गोल चेहरा दिखाई दे, यानी क्या है कि आपका पूरा शरीर ढका हुआ है, सिर्फ आपका मुखड़ा यानी गोल चिट्टा चेहरा दिखाई देता है। फिर वो कहती है कि हमें क्या बेवकूफ़ समझ रखा है, हमें बेवकूफ़ मत समझिए, क्योंकि मुझे पता है कि आपको कोई बीमारी है। और लेकिन थोड़े से तिरछे नज़र आते हैं, यानी क्या है कि जब तभी आप कभी घटते तो घटते जाते हैं, और जब तक फिर वो आकाश में आप नज़र नहीं आते। और दोबारा क्या बोलती है कि जब आपका आकार बढ़ता है तो बढ़ता ही चला जाता है, जब तक आपका पूरा गोल आकार ना हो जाए। फिर नहीं, पर नहीं, ये पता नहीं क्यों, पर आपकी ये बीमारी ठीक नहीं होती। यानी क्या है, जब भी चांद को देखती है हर बार, तो उसका यही चांद की यही प्रक्रिया होती है, तो लगता है कि वो लड़की कहती है कि लगता है आपको कोई बीमारी है जो कि ठीक नहीं हो सकती। विद्यार्थियों प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अब हम नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में मिलेंगे। जय श्री स्वामीनारायण।